हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? स्वागत है मेरे चैनल ब्लॉगर मानसिंह में और आशा करता हूं आप सब लोग ठीक हैं। तो आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। आज मैं आया हूं गुजराती कल्चर में, जिसको कहते हैं गुजराती डांस, आप बोल सकते हो गरबा। गरबा राइट, इसे संस्कृत वर्ड है गर्ब, जिससे निकला है गरबा राइट। में गुजराती में इसको गरबा बोलते हैं। तो दुर्गा माता की पूजा होती है, दुर्गा माता की तस्वीर के या उनकी मूर्ति के चारों तरफ लोग डांस करते हैं, कपल्स करते हैं या सिंगल्स भी करते हैं। तो बेसिकली मैंने कभी शायद वीडियोस में देखा होगा और कभी शायद एक बार मैं विजिट किया होगा कहीं पे, लेकिन मैंने इतने बड़े पैमाने पे कभी देखा नहीं था। लेकिन आज मुझे इन्विटेशन मिला है, तो लेक चार्ल्स में मैं रहता हूँ, यहाँ पे गुजराती कम्युनिटी बड़े बहुत बड़े लेवल पे रहती है। तो मुझे इन्विटेशन मिला कि मुझे आके एक बार देखना चाहिए और ब्लॉग बनाना चाहिए कि कैसा होता है कल्चर, कैसे लोग डांस करते हैं, क्या क्या पहनते हैं, बहुत सारी चीज़ें आज की वीडियो में कवर करूँगा। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें और मुझे इसी तरह से प्यार देते रहिए, आगे भी वीडियो आती रहेंगी। तो चलते हैं अंदर, बाकी मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो पहली बार मौका मिला गरबा में आने का, तो मेरे पीछे देख सकते हैं लोग हैं। अभी मैं अंदर एंटर करूँगा और देखते हैं, लोगों से मिलवाता हूँ। मैंने कभी डांस किया नहीं ऐसा, लेकिन पहली बार मौका मिला है जाने का। तो बिल्कुल हैरी भाई ने इनवाइट किया था और काफ़ी सारे लोग हैं, बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत से लोगों को मैं नहीं जानता हूँ राइट। तो जैसा कि देख सकते हैं हमारे अरे नहीं नहीं भाई, तो अपने सेवन भाई और भाई आपका नाम क्या है? दीप। बाकी इधर भी है। हेलो किंजल, भाभी बंसरी भाभी इधर। अरे नहीं नहीं भाई, मैंने देखा नहीं, इतने चमक रहे, कुछ दिखाई नहीं दिया चमक। अपने सोनक भाई हैं इधर। हेलो भाई सोनक भाई और हैरी भाई। हैरी भाई बिल्कुल बहुत बड़ी, वेरी नाइस हैरी भाई। तो अभी अंदर चलते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते हैं क्या है। मैं पहले कभी विजिट किया नहीं है, लेकिन पहली बार लग रहा है कि कैसा होना चाहिए, देखते हैं। चलिए चलिए भाभी चलिए, माँ से मिलिए माँ। ये सहरिया और ये मेरी माँ, दोनों माता हैं। अभी देखते हैं, मेरे लिए बहुत पहला कल्चर है। मैं दिल्ली से आता हूँ, तो मैं गुजरात की ये डांस जो गरबा, मतलब ये संस्कृत वर्ड है गर्भ, मैं गुजराती एक गुजरात में से गरबा बोलते हैं राइट। तो मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन मैंने पहले मौका मिला तो मुझे लगता है मुझे दिखना चाहिए था और आगे भी कंटिन्यू रहे। कितने बजे तक रहेगा बेसिकली? बेसिकली 11:30 बजे, 12:30, 11:30 बजे, 11:30 बजे तक। तो अभी टाइम हो गया कितना? टाइम हुआ 10 बजे है अभी, 10 बजे। तो अभी 2 घंटे, अभी 2 घंटे और है, लेकिन आधा घंटा थोड़ा रेस्ट मिलेगा, उसके बाद डांडिया खेलना चालू करेंगे। ओके ओके, तो अभी तुझे बहुत सारा फोन होने वाला मेरे दोस्तों, हैरी भाई को थैंक यू बोलता हूँ, उन्होंने इनवाइट किया। और बाकी मिलते हैं अगले स्लाइड में ब्रेक के बाद। भाभी आप जानते हो अपनी बंसरी भाभी हैं, मॉम की बहू हैं राइट, गुजरात से हैं और बहुत प्यार में से मिलता है। घर पे कभी भी चले जाओ बिना खाना खाए बिना नहीं देती है। और छोटी बेटी, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था आपको, अभी छोटी बेटी हुई है 1 साल, कितना 6 मंथ की हो गई, बहुत प्यारी है, इसने ट्रेडिशनल वियर पहने हुआ। भाभी क्या कहते हैं इसको बेसिकली? चैया चोली बोलते हैं, बहुत ही प्यार लग रही है फेरिया। और लेकिन कितनी खुशी का माहौल है, कितने सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये भाई भाई अहमदाबाद से? अहमदाबाद से। तो भाई कितने दिन हो गए आपको अमेरिका में भी? मैं 17 अगस्त को आया था यहाँ। 17 अगस्त, तो 17 x 34 करीबन डेढ़ महीना। तो भाई डेढ़ महीना हो गया, आप जानते हैं अमेरिका में इनको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं, कि अहमदाबाद में जो फंक्शन जो हो रहा है अहमदाबाद में, इससे ज्यादा बड़े पैमाने पर होता है कि कैसा? मतलब नहीं, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे थोड़ा इतना ज्यादा मजा नहीं जैसे अहमदाबाद में आता है। हर बंदा क्रेजी है और कल्चर के लिए राइट। तो भाई का कहने का मतलब है मुझे मजा तो आ रहा है, लेकिन इतना नहीं आ रहा है जितना मुझे अहमदाबाद में आता, क्योंकि वहाँ पे गली गली में रातों रात फंक्शन होता है राइट। तो आप कल आप कल इंडिया वापस जा रहे हैं? कल वापस जा रहा हूं। तो भाई आए थे डेढ़ दो महीने के बाद इंडिया जा रहे हैं, लेकिन देखते हैं अमेरिका में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, मैं जानना चाहता हूँ। यहाँ के नेचर प्लेस और यहाँ पे जो मैं डिज्नीलैंड घुमा था वो बहुत मजा आया। ऑरलैंडो गए थे आप? ऑरलैंडो डिज्नीलैंड भाई गए थे, उनको सबसे अच्छा वो लगा नेचर प्लेस में, ग्रीनरी घास ये सब सब कुछ, मुझे पहाड़ों और शिकागो का डाउनटाउन मुझे बहुत पसंद आया। बहुत भीड़ है, क्राइम बहुत ज्यादा है, बहुत मजा आया था। या शिकागो का डाउनटाउन वाकई में बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ क्राइम रेट थोड़ा ज्यादा है, बस ये। लेकिन बाकी वीडियो के साथ बने रहिए, अभी हम लोग प्रसाद लेंगे इस लाइन से लग के।
प्लेट ले ली है प्रसाद को। चलो भाई आज खिला खिलाओगे, वेरी नाइस, थैंक यू मैन, आई विल दैट आई विल टेक टू, थैंक यू मैन, अप्रिशिएट मैन, अप्रिशिएट, यू डूइंग अ ग्रेट जॉब, नो मैन आई एम गुड, थैंक यू। प्रसाद काफी मात्रा में, कितने कितने तरीके से का प्रसाद है यहाँ पे, और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो प्रसाद का टाइम खत्म हो चुका है, सबने प्रसाद ले लिया है, लेकिन अभी का टाइम है डांडिया का टाइम है, डांडिया मतलब सब लोग अपना अपना बांस लेंगे और सब लोग यहाँ पर डांडिया खेलेंगे, राइट, मेरे पीछे देख सकते हैं अभी स्टार्ट हो गया, लेकिन धीरे धीरे देख सकते हैं आप, मेरे पीछे आप देख सकते हैं लोग डांडिया खेलने, लेकिन शोर बहुत ज्यादा है तो मैं सही से बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप पीछे देख सकते हैं के बज गए हैं 12:15 और पूरा मैंने बना दिया है, सारा कुछ दिखा दिया आपको कैसे गुजराती कल्चर में गरबा जो मैं आपको बताया था पूरा उन्होंने मैंने कवर किया, सारी चीज़ें मैंने कवर की, आपका पूजा से लेकर प्रसाद से लेकर और गरबा और बाकी और भी डांस का सारा कवर किया। तो काफ़ी रात हो चुकी है मुझे, करीबन यहाँ पर हो गए हैं 2 से 2.5 घंटे और अब घर चलने का समय है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मैंने मोस्टली चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में और अगली वीडियो के साथ, जब तक बने रहिए ब्लॉगर मानसिंह के साथ, थैंक यू सो मच।